गाइज अगर आपने आगे वाले व्लॉग्स नहीं देखे हो तो प्लीज चेकआउट करना, बहुत मजेदार है दोनों तीनों गोवा वाले जो भी दोनों व्लॉग्स है ना वो बहुत जबरदस्त से व्लॉग है, तो पहले वो देख लो फिर इस व्लॉग पे आ जाओ अगर नहीं देखा हो तो। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, डेली वाले व्लॉगर्स हो तो लाइक कर दो। तो गाइज चलिए आज का जो व्लॉग है वो बहुत मजेदार रहने वाला है, अगर आपको अच्छा लगे तो दूसरों के साथ शेयर जरूर करना, और कुछ गोवा में अच्छी अच्छी प्लेसेस पता हो तो वो भी आप बता सकते हो, और हम आपको सारा गोवा टूर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी मेहनत के लिए लाइक प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ भी इतना टाइम निकाल रहे हैं, यहाँ का वाईफाई अच्छा है ना तभी आप तक व्लॉग्स पहुँच रहे हैं। तो गाइज चलिए आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं, तो अभी रेडी वेडी तो हो ही चुके हैं, ये हमारा बर्थडे वाला आउटफिट है, बाद में आके हम चेंज करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं घूमी घूमी, तो अभी कहाँ जा रहे हैं चलिए आपको दिखाते हैं। तो अभी तो रेडी हो चुके हैं मस्त अच्छे से, इयर रिंग्स हमने कल गोवा में से ही लिए हैं तो कैसे लग रहे हैं वो भी बताइएगा। तो गाइज चलिए अभी हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइज अभी हम हो चुके हैं रेडी, आप देख सकते हो, तो ये देख सकते हो गुची का गॉगल्स कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो गाइज अभी हम निकल चुके हैं घूमने के लिए, अभी हम सब जा रहे हैं घूमने के लिए, और सबको मजा आ रहा है। Yes. बहुत आ रहा है गाइज। आज हम आपको लेके चल रहे हैं बहुत जबरदस्त जगह पे, अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी हम सब आए स्नो पार्क। तो गाइज ये जो स्नो पार्क है बहुत जबरदस्त स्नो पार्क है, ये आता है बागालैंड में, और यहाँ पे पर आवर के हिसाब से एंट्री है, बहुत जबरदस्त जगह है। आइए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आपको शूज मिल जाते हैं, लगेज रखने की जगह मिल जाती है, जैकेट्स मिल जाते हैं, सॉक्स मफलर सब कुछ मिल जाता है। तो गाइज अभी ले लिए हैं हम लोगों ने शूज़, तो बहुत ज़बरदस्त जगह है, आइए तो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आज बहुत सारा क्राउड है क्योंकि वैकेशंस चल रहे हैं, और अभी हम ले लेंगे जैकेट। अभी हम आ चुके हैं स्नो पार्क के इनसाइड, तो पूरा व्यू आप देख सकते हो, बहुत ज़बरदस्त सा व्यू है, और यहाँ पे आपको पार्टी वगैरह भी मिल जाती है, तो बहुत हेवन जैसी जगह है। अगर अच्छा लगे व्लॉग तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दूसरे भी अगर गोवा आ रहे हैं तो यहाँ पे मस्ट विज़िट कीजिएगा। तो आइए गाइज अभी हम आपको दिखाते हैं पूरा व्यू। यहाँ पे जो है पर आवर के हिसाब से एंट्री है, और ये देखिए अभी अमित जी जा रहे हैं स्लाइड में, तो ये देखिए स्लाइडिंग वगैरह भी है यहाँ पे बहुत अच्छी सी।
तो गाइज अभी कर लिए बहुत सारी डांस, अभी निकाल रहे हैं हम बूमरैंग जो कि आपको इंस्टाग्राम पे सारी पोस्ट के साथ मिलेगी, तो जल्दी से जाइए और हमें फॉलो कर दीजिए सीमा बेजवानी इंस्टाग्राम पे। और गाइज अभी हम जा रहे हैं स्लाइड में, तो देख सकते हो आप, अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जरूर आइएगा स्नो पार्क। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं लंच करने, तो अभी हम स्नो पार्क वैसे हो गया। स्नो पार्क में मजा आया आपको? बहुत है, मजबूत करता है। किसको आया? जे भी आया, वो तो देखो आया भैया को भी आया। मेरा थोड़ा कम आया, क्यों ठंडी लग रही है? तो गाइस आप अमित जी को तो पहले से जानते ही हो किस कैसे हैं, तो अभी हम लंच करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। ये ना मंगाइए देने लिए, तो ये देखो गुड्डू स्नैप निकाल रहा है। आफ्टर लंच आइसक्रीम टाइम, तो गाइस ये खा रहे हैं आइसक्रीम वाटरमेलन वाली, उसके बाद जा रहे हैं अभी हम रिजॉर्ट, रिजॉर्ट से रेडी होके हम फिर घूमने जाने वाले हैं। अभी हम हो चुके हैं रेडी और हम जा रहे हैं पंजिम गोवा। क्या बोलते हैं पंजिम? यही ना कैसीनो आ रहे थे उन्होंने, तो गाइस चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं। गाइस तो अभी हम पहुंच चुके हैं क्रूज पार्टी में, तो आज हम जाने वाले हैं क्रूज में, तो आज यहाँ है क्रूज पार्टी, तो चलिए आज हम आपको दिखाएंगे क्रूज पार्टी के, गोवा की क्रूज में कैसा होता है पार्टी वगैरह। और ये देखिए तो गाइस हमने टिकट ले ली है, देख सकते हो। तो गाइस ये सेक्शन का टिकट है, और अगर आपको कुछ भी खाना हो तो आप अंदर से अलग से पे करके ले सकते हो। और लाओ लास्ट का भी मैं आपको पूरा वीडियो जो है अलग से बताऊंगी। तो गाइस ये आप पूरा व्यू देख सकते हो क्रूज में से, सामने सारे कैसीनोज हैं। जो व्लॉग आपको देखना मिलेगा उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, इसके बाद आपको कैसीनो वाला व्लॉग भी देखने मिलेगा। तो ये है पूरा क्रूज का व्यू। गाइज आप एक बार क्रूज में ज़रूर आएँ, ये सनसेट के टाइम पर ही होता है क्रूज, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मज़ा आता है। क्रूज में अंदर पार्टी भी होगी और यहाँ पे अलग अलग तरीके के डांसेस भी आपको दिखाए जाते हैं, और यहाँ से आप पूरा समुद्र का नज़ारा देख सकते हो, ज़बरदस्त से सामने कैसीनोज हैं। तो गाइज बहुत मज़ा आता है, मोस्ट ट्राई करना एक बार क्रूज में ज़रूर आना अगर गोवा आते हो तो। ये सबसे जबरदस्त वाला कैसीनो है डैनियल रॉयल, ये सबसे बेस्ट कैसीनो है।
तो है धमाका जैसे शेर हाथ नाचे दिल का ये मेरा यार अपने साथ नाचो मौके सारो तो गाइज आज भी हम आए हैं अकेले अकेले घूमने मतलब अभी के साथ। तो अभी सबसे पहले फ्रूट्स खा लेंगे और आज भी हम आए हैं कैलंगे बीच के मार्केट मार्केट से हम पहुंच चुके थे रिजॉर्ट। अभी रिजॉर्ट से फिर हम आए हैं यहाँ पे डिनर करने। तो हम आए हैं कान्हा में डिनर करने जहाँ हमने उस दिन लंच किया था ना शाम को, तो वहाँ आए हैं। यहाँ का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है तो अभी हम डिनर कर लेते हैं। ये लड़का बोल रहा है बीच पे नहीं जाना है, मिट्टी होती है तो गोवा में आते क्यों हैं भागी सोने सोने नहीं आते सोने घूमने आते हैं बेटा घूमने घूमने आते हैं घूमने। हाँ तो झूले खाने आते हैं स्नो पार्क में चलने आते हैं। तो स्नो पार्क में क्यों चला था मजा आया। भाई से हमारा डिनर हो चुका है और अभी हम खा रहे हैं आइसक्रीम।